उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। वाह जी वाह मामू साहब, ये जरा दही चेक कीजिएगा। हार का कलर देखो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लो भाई, खुदा तुम्हें इंटरव्यू में कामयाब करे मेरी कमाऊ कूद बच्ची। ये लो जानू, दही खाओ दही खाओ। नबील मेरा रोजा है। ओह जानू, मैं भूल ही गया था, तुम रोजे में इंटरव्यू दोगी तो तुम्हारी नौकरी पक्की है। नबील चांदी को कौन देखेगा? चलो तुम चांदी की फिक्र मत करो, आज से चांदी का बाप और माँ मैं हूँ जानू। बस तुम जानू इंटरव्यू की फिक्र करो, हम सब तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। ओके जानू, बाय बाय। अरे मोमो, इसे छोड़ दो आप, वो चली गई है। या अल्लाह, आज खूबसूरत इंटरव्यू में पास हो जाए। आमीन। या अल्लाह, लाख रुपए से थोड़ी सी ज्यादा उसकी सैलरी हो। आमीन। या अल्लाह, ओवर टाइम के पैसे अलग से मिले। आमीन। सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। अरे खूबसूरत है। अरे खूबसूरत, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ जानू, खुदा के वास्ते ये मत कह देना कि तुम्हें नौकरी नहीं मिली, हमने बड़ी तुम्हारी दुआएं की हैं। आप पता, मैंने तो शुक्राने के नफल भी मान लिए। हाँ, मेरी बच्ची का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। बोलो 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 बोलो, बोलो, बोलो। कुछ तो बोलो खूबसूरत, कोई तो बोलो। मुझे नौकरी मिल गई है यार। क्या अलर्ट? यार नबील, आज रफ्तारी में तुमने कुछ ज्यादा ही चीजें मंगवा ली थी। मैं मुसा, मेरी बीवी की नौकरी लगी है यार, पार्टी तो बंद ही थी। हाँ ये भी ठीक है। बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है। अरे जानू, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। जानू टीवी बंद करो और कमरे में जाके सो। क्या जानू, तुम्हारी जॉब का कल पहला दिन है, मैं नहीं चाहता तुम लेट हो। चलो उठो उठो। नबील अभी तो सिर्फ 8 बजे है यार। जानू जल्दी सोओगी तो जल्दी उठोगी ना। चलो उठो, शाबाश। इतनी जल्दी? हाँ जानू आओ, चलो रिमोट दो। जाओ, खुदा हाफिज, गुड नाइट। आ भाई मोमो, क्या देखे? क्या हुआ जानू? सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है जानू। सो जाओ। सो जा राज दुलारी, सो जा परिये बुलाए राज दुलारी। गुड मॉर्निंग जानू, उठ जाओ। जानू 7 बज गए। क्या? हाँ तुमने मुझे सहरी में क्यों नहीं उठाया? जानू इतनी जल्दी उठ के तुमने क्या करना था? मैंने सोचा अच्छा है ना, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। नबील मुझे सहरी करनी थी। जानू मैंने सोचा कि तुमने रात खाना खाया था, नींद करके सो गई होगी। ओह गॉड, बगैर सहरी के रोजा रख के मुझे अब ऑफिस में काम करना पड़ेगा। जानू यही तो इम्तिहान है, रोजे का असल सवाब तुम्हें ही मिलेगा। असल रोजा तो तुम्हारा होगा ना जानू, हमारा रोजा को रोजा थोड़ा है, हम तो सारा दिन घर में रहते हैं। चलो उठो शाबा जानू, उठ के तैयार हो, ऑफिस भी जाना है। अरे मैं चांदी को तो नाश्ता करवा दूं। जानू चांदी की फिक्र करना छोड़ दो, आज से ये समझो कि चांदी मेरी बेटी है, उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी है और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जानू उठो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जानू गुड गर्ल गुड गर्ल। नबील ये तो बहुत अच्छा हुआ कि खूबसूरत काम पे लग गए। हाँ हर वक्त घर में पड़े रहने से ना हार्ट अटैक हो गई थी। हाँ यार बिल्कुल, औरतों जैसी बातें करने लग गई थी, घर पे रहने का यही नुकसान होता है। चलो भाई, उसे देर से ख्याल आया मगर आया तो सही। हाँ बाबा मुझे भूख लग रही है। बदतमीज, रोजा नहीं रखा तूने? बेटा ये कौन सा टाइम है खाना खाने का? पापा मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। ओ मेरी जान, लेकिन नाश्ता रमजान में नहीं करते, और कल से तुम रोजा रखोगी, तुम बड़ी हो गई हो। पापा
खूबसूरत ने बिगाड़ दिया इसे। हाँ, जब देखो हर वक्त इसे कुछ ना कुछ चाहिए खाने को। अब जा जाके अंदर, शाम को हमारे साथ रोजा खोलना। हाँ हमारी आज ना स्पेशल किस्म की अफतारी होनी चाहिए। क्यों महमूद साहब? अरे अब तो रोज अफतार स्पेशल होगी, खूबसूरत की नौकरी जो लग गई है। हाँ जानू, किधर हो? क्या जानू, हम तुम्हारा अफतारी पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ मीठे का मूड हो रहा है, जलेबी लेती है ना। हाँ जरा ब्राउन और हाँ अच्छी तरह उसको वेल्डन करा के, वेल्डन करा के। रात के खाने के लिए तंदूर की रोटी भी मंगवा लो। जानू एक काम करो, टैक्सी को ना किसी तंदूर पे रोकना और उसे कहना लाल रोटी, लाल आटे की रोटी लाना, ठंडी हुई जरा, ठीक है? तो अब माँ जी ने तुम्हारे लिए कोरमा बनाया सुबह सहरी में, खाएंगे जानू। माँ जी अंडे हैं? नहीं पुत्र। जानू एक काम और करो, एक दर्जन अंडे लेती आना। जानू सायरन हो गया, तुम एक काम करो, रास्ते में ना सड़क पे लोग खड़े होते हैं खजूरे लेके, वहां खजूरे लेके रोजा खोल लो और जल्दी आ जाना, हम रोजा खोल रहे हैं। ओके बाय। वाओ मई नीला का सुन तो वाबे का मन तो वाले का तबक्कल तो वाला रे इसके का अफ्तर। ओह जानू तुम सो जाओ, मैंने ना तुम्हारे कपड़े इसलिए कर दिए हैं। नबील सब लोगों की रमजान में 4 बजे छुट्टी हो जाती है, मैं 8 बजे घर पहुंची हूँ। जानू तुम्हें एक्चुअली नौकरी की आदत नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगी। नबील नौकरी करना मेरा नहीं तुम्हारा काम है यार। खूबसूरत शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक दिन नौकरी पे क्या चली गई, तुमने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मुझे देखो, मैं सालों से घर पे पड़ा हूँ, मैंने आज तक उफ नहीं किया। नबील मुझे नहीं लगता कि मैं नौकरी कर पाऊंगी। जानू मुझे लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए तुम बहकी बहकी बातें करी। सो जाओ, ये तो इधर रखो, चलो 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 चलो, शाबाश 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 शाह भाई, लेटो लेटो, सोचो सोचो। जानू आ जाओ, मैं टैक्सी लेके आ गया। जानू तुम्हारा पर्स क्या है, तुमने जाना नहीं है? नहीं नबी, मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। क्या? हाँ यार, चांदी मुझे बहुत मिस कर रही है। ओ जानू चांदी बच्ची है, उसे क्या पता कि तुम्हारी नौकरी में उसके पापा की कैसी भलाई है। जाओ 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 जाओ, पर्स लेके आओ। नबील मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी। माँ जी, मैं महमूद साहब। माँ जी क्या हुआ पुत्र सुहेल भट्ट? ओ माँ जी देखे ये क्या कह रही है, ये तो चुपचाप खड़ी है। माँ जी ये नौकरी पे जाने से इनकार कर रही है। क्या तेरी ये जुर्रत? अरे तुमसे हमारी खुशियाँ नहीं देखी जाती क्या? अरे आप लोगों की खुशियों के लिए मैं तकलीफें क्यों उठाऊं? मुझे नहीं नौकरी करनी। शन अप नबील, मैं अभी अपने बॉस को फोन करके बताती हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रही। सर। अरे खूबसूरत बेटा कैसी हो? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। नौकरी छोड़ रही हो? क्यों बेटा, ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं सर, मेरे घर का मसला है। नहीं बेटा नहीं, इतने अरसे के बाद तो मुझे मेरी कंपनी के लिए इतनी मेहनती और जहीन लड़की मिली है। नहीं भाई मैं तुम्हें ये नौकरी छोड़ने नहीं दूंगा। सर प्लीज। देखो खूबसूरत, तुम्हारे घर का मसला है ना, मैं खुद तुम्हारे घर आके तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ। सर मेरी बात तो सुने, मेरे बॉस घर आ रहे हैं। क्यों क्यों आ रहे हैं? मुझे नौकरी के लिए राजी करने। कितना अच्छा आदमी है, क्यों महमूद साहब? हाँ आजकल के दौर में इतने अच्छे बॉस और इतनी अच्छी नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं? तू तो है ही बड़ी नाशुक्री शकीला। जानो जानो महमूद साहब, चले लॉन में अगला सीन करते हैं। वो जो हम लॉन में करेंगे वो अगला सीन होगा। हाँ जी। अच्छा जी आइए। चलो जी। कुछ भी हो जाए ना, तूने हुमा अंजुम को ये नौकरी छोड़ने नहीं देनी। हाँ नबील, वरना हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। ओ दुआ करे महमूद साहब उसका बॉस से आगे मना ले। यार वो आएगा कब? लगता है आ गया। माँ जी आप खूबसूरत को यहाँ लेके आए। भाई उसका बॉस खूबसूरत है। ओहो भाई तुम अंदर से जाके खूबसूरत को बाहर लेकर आओ, नबील बाहर से उसके बॉस को अंदर ला रहा है। अरे छोड़ो इसे यार, तुम जाके बॉस को तो लेकर आओ। हाँ हाँ हाँ। अरे आइए 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 भाई, खूबसूरत का घर यही है? बिल्कुल यही है, मैंने खरीद के उसके नाम किया है। अच्छा अच्छा आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, आइए आइए यहाँ से आइए आइए।
आइए 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 जानू, देखो कौन आया, तुम्हारे बॉस आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए। थैंक यू। नहीं, मेंशन नॉट। हेलो सर। हेलो। आपने खामखा में तकलीफ की। अरे नहीं बेटा, बस तुम प्रॉब्लम में थी, मैंने सोचा खुद आके सॉल्व कर लूं। बॉस आपने ये बड़ा अच्छा किया। क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ। सर मुझे जॉब नहीं करनी। देखा आपने बॉस कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। आप कौन है जी? मैं खूबसूरत का हस्बैंड हूँ। आप तो बड़े सेंसिबल आदमी हैं, मुझे लगा आपने मना किया होगा। अरे नहीं जी, हम क्यों मना करेंगे, हम तो औरतों के नौकरी करने के हक में हैं। हाँ जी, और मैं तो इतना हक में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सारे मर्द घर पे बैठे और सिर्फ औरतें नौकरियां करें। अरे वाह, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एमी जी, बस तनख्वाह बढ़ाने के तरीके और क्या। माँ जी चल शर्मा ना, जल्दी से बता कितने पैसे बढ़वाने। बेटा अगर तुम्हें सैलरी में खुश नहीं हो तो मुझे बताओ, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। जानू इससे अच्छा मौका और इससे बेवकूफ बॉस नहीं मिलेगा। 2 लाख बोल दो, 2 लाख। शट अप नबील। सर मुझे नौकरी नहीं करनी, मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। अरे तुम्हारी बच्ची का ख्याल हम रखेंगे, हम उसे तुम्हारी कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आप कौन है? मैं इसका ससुर हूँ जी। आप क्या काम करते हैं? मैं घर के काम करता हूँ। इसका मतलब आप दोनों कोई जॉब नहीं करते? कैसे करेंगे बॉस, अगर हम दोनों जॉब करेंगे तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? आप दफा करें जी, आप बस खूबसूरत को राजी करें। जब तक हम आपकी अफतारी का बंदोबस्त करते हैं। आए माँ जी, आपने ना इसको नौकरी पे राजी कर लेना। देखिए हमारे घर ना अगले हफ्ते का राशन भी नहीं है, मेरे निक्के की चटियां फट गई है, कांसी की फ्रकें फट गई है, हमने बिल भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं। अरे बस करो, ईद की भी तैयारी करनी है। अरे हौसला करो मोमो, वो शक्ल से नेक आदमी लग रहे हैं, वो इसको राजी कर लेंगे। हम अफ्तारी की तैयारी करें। आजे माँ जी, आजे आजे माँ जी। मामू साहब मुझे लग रहा है वो खूबसूरत को राजी कर लेगा। बेशरम, बेहया, बेगैरत, वो तेरी बीवी को राजी कर रहा है शादी करने के लिए, तू इधर खड़ा हुआ देख रहा है। ओ माँ जी, जॉब के लिए राजी हो जाएगी? नबील मुझे तो लगता है कि खूबसूरत मान जाएगी। अरे मेहमू साहब, इसी बात पे अफतारी मंगवा ले, अफतारी का टाइम हो रहा है। वो जो मंगवानी है वो अफतारी है? हाँ जी। अच्छा जी। जानू अपने बॉस को ले आओ, अफतार का टाइम हो गया है। खूबसूरत अभी तो आप खुश हो ना? जी थैंक यू सो मच सर। बैठे बैठे प्लीज बैठे। नबील लगता है कि बॉस ने खूबसूरत को मना लिया है। मुझे लग रहा है मैं मूसा, उन्होंने खूबसूरत की सैलरी भी बढ़ा दी है। यस भाई, खामखा आप लोगों ने इतनी तकलीफ। तो मैं आपकी प्लेट खा लूं? क्या कर रही हो? अरे तकल्लुफ कैसा बॉस, आपको पता ही नहीं है आपने कितना बड़ा एहसान किया है इसको जॉब पर राजी करके। लेकिन खूबसूरत तो जॉब के लिए राजी नहीं हुई। क्या? हाँ, लेकिन मैंने इसका दूसरा हल भी निकाला हुआ है। वो क्या? भाई पहले इस घर में 1 लाख रुपए आते थे, अब 2 लाख रुपए आएंगे। इसका मतलब है आपने खूबसूरत की सैलरी बढ़ा दी है? ओ नहीं नहीं। फिर भाई मैंने और खूबसूरत ने ये फैसला किया है कि मैं आप दोनों को लाख लाख रुपए महीने पे अपने पास जॉब पे रख लूं। हाँ, क्योंकि आप दोनों बहुत समझदार और रीजनेबल आदमी हैं। हम कौन है? रीजनेबल आदमी। खड़ा जी। अबे खड़ा, तबाया से। ये आप क्या कह रहे हैं? अबे तुझे इसलिए रोका था कि तू मेरी बीवी को जॉब के लिए राजी करे, तू हमें जॉब करा रहा है। अरे तेरी ये मजाक, तेरी जुरत कैसे हुई? अरे हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, मशरकी है मशरकी, हम ऐसे वैसे घर से बाहर नहीं निकलते। तू क्या समझ रहा है, लाख लाख रुपए में हमें खरीद लेगा? हम बिकाऊ माल नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे इफ्तार तो करने दीजिए। अरे दीजिए, मैं मुसा भाई के लिए कचौरी ले। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।